दिल्ली के मुखर्जी नगर की दो सगी बहनें कृष्ण की परम भक्त हुआ करती थीं और वो कृष्ण की भक्ति के लिए वृंदावन पहुंच जाती हैं और वृंदावन के निधि वन में पहुंच जाती हैं। निधि वन की जो धारणा लोगों के द्वारा बताई जाती है, जो उसके अंदर रात्रि को रुक जाता है या तो वो मर जाता है या गूंगा बहरा या इस तरह का हो जाता है कि वो लोगों को कुछ बताने योग्य नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, ये दोनों लड़की 1 बजे रात्रि को जो वहाँ का वाक्य देखती हैं, जो वहाँ की स्थिति देखती हैं, उसे देखकर इनके भी पसीने छूट जाते हैं। क्या ये दोनों बहनें वहाँ से जिंदा बचकर वापस आईं या ये भी गूंगी बहरी होकर वहीं रह गई? पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं आपको हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के मुखर्जी नगर की कहानी है। यहाँ पर दो सगी बहनें रहती थीं जिनका नाम सुषमा और स्नेहा। ये 2002 का वाक्य है। जो सुषमा और स्नेहा की माँ वो एक कृष्ण भक्त हुआ करती थी और वो कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन रहती थी, वो सुबह शाम भगवान की भक्ति किया करती थी। वो कोई भी काम छोड़ सकती थी लेकिन भगवान की भक्ति वो नहीं छोड़ सकती थी। डे बाई डे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन उनकी माँ को एक सपना आता है और सपने में भगवान श्री कृष्ण उनसे माखन की डिमांड करते हैं। जैसे ही माखन की डिमांड होती है तो माँ रात्रि में ही उठती है और रात्रि में ही माखन का इंतजाम किया जाता है। अब तो सब घर वाले कृष्ण भक्त हो जाते हैं और कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन हो जाते हैं कि वो अब भगवान कृष्ण को हर जगह ऐसा लगने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह पर हैं। दोस्तों, वो सगी दोनों बहनें सुषमा और स्नेहा एक दिन अपनी माँ के साथ निधि वन वृंदावन पहुँच जाती हैं और जैसे ही वो वृंदावन में पहुँचती हैं तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर जाती हैं। वहाँ जाकर पुजारी से कहती हैं कि हमें भगवान के दर्शन कराएं। तो पुजारी उन्हें ले जाकर बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी लाल भगवान के दर्शन करा देते हैं। वहाँ पर वो संतुष्ट नहीं होती, वो चाहती थी कि हमें भगवान श्री कृष्ण हकीकत में आकर दर्शन दें। यह सब के लिए वो बाहर आकर उदास बैठ जाती हैं और एक व्यक्ति उनके सामने आता है और एक व्यक्ति उनसे कहता है, अगर तुम्हें हकीकत में भगवान के दर्शन करने हैं तो पड़ोस में ही निधि वन है, उसमें आप जाइए और रात्रि के समय वहाँ पर रुकिए, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर रोजाना आते हैं। यह सब सुनकर दोनों बहनें निधि वन में दिन में ही पहुँच जाती हैं। जैसे दिन में निधि वन में पहुँच जाती हैं, वो सारी जगह घूमती हैं लेकिन उन्हें दिन में कुछ नहीं मिलता। जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगती है, रात्रि का समय नज़दीक आने लगता है, सभी लोगों को वहाँ पर हिदायत दी जाती है कि किसी को भी यहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं है, सभी लोग यहाँ से निकलकर बाहर आ जाए, निधि वन में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। दोस्तों, निधि वन में जैसे ही वो लड़की अंदर की तरफ होती है और एक पेड़ की टहनियों पर वो ऐसे छुप जाती हैं, जो वहाँ पर गार्ड होते हैं उनकी नज़र वो दोनों लड़कियाँ नहीं पड़ती। अब तो रात्रि होने लगती है, दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बातें करने लगती हैं और थोड़ा सा उनके अंदर भय भी होने लगता है। वो डरने भी लगती हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब तुम्हारे साथ में होगा क्या। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उनका डर भी पीछे हटता चला गया, उनका डर भी छटता हुआ चला गया। दोस्तों, जैसे ही रात्रि का 1 बजता है, 1 बजते ही जो सभी पेड़ पौधे वहाँ पर खड़े हुए थे वो सभी गोपिकाओं का रूप ले लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और अपनी रासलीला वहाँ पर रचाने लगते हैं। यह सब वो दोनों बहनें अपनी आँखों से देख रही होती हैं। वो अचंभित हो जाती हैं और भगवान से कहने लगती हैं कि भगवान, हमें आप पहले क्यों नहीं मिले, हम तो गौर से आपका इंतजार करते हुए आ रहे हैं, आपके दर्शन करने के लिए आपको हर जगह ढूंढते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें हर जगह मिले, हम हर जगह हैं, हर कण कण में हैं, लेकिन आपका देखने का नज़रिया हम तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अब आप जहां भी हमें देखोगे हम हर जगह आपको दिखाई देंगे। यह सब देखकर उनकी आंखें मुंद जाती हैं, दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं और जैसे ही अगली सुबह उन दोनों बहनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक धर्मशाला में पाती हैं। उस धर्मशाला में पुजारियों और जो वहाँ के मैट होते हैं उनसे वो लड़की दोनों बहनें पूछती हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, हमें यहाँ पर लेकर कौन आया। तो पुजारी उनको बताते हैं, रात को करीब 3 बजे का वक्त था जब एक सांवले रंग का एक लड़का तुम दोनों को लेकर आया था और
तुमसे एक बात वो बार बार कह रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं हर समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों यह सब सुनकर वो दोनों बहनें रोने लग जाती हैं और भगवान को याद करने लगती हैं। अब वो जहां भी देखती हैं, जिस भी वस्तु में वो देखना चाहती हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। तो दोनों बहनें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाती हैं। और जो लोगों की धारणाएं वहां पर थी कि वहां पर जाने के बाद निधिवन में जो व्यक्ति जाता है वहां से जीवित वापस नहीं आता, और जो वहां से आ भी जाता है तो गूंगा या बहरा होकर रह जाता है, दोस्तों ये धारणा भी यहां पर गलत साबित होती दिखाई दी। दोस्तों जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन्हें कभी भी गूंगा बहरा नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें कभी ऐसा कर सकते कि उनकी जान पर बनाए या उनको मार डाले। भगवान अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले भी उसी तरह भगवान से भक्ति करें जिस तरह से भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। अगर आप अपने मन में किसी प्रकार की कुंठा लेकर उनके दर्शन के लिए जाएंगे तो कैसे संभव होगा? अपने जो लोभ है, मोह है, सबको त्याग कर भगवान के चरणों में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो यहाँ पर इन दो बहनों को मिला वो आपको भी मिल सकता है। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का पालन करते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रेरणादायक है, जरा सा भी आपका भगवान में विश्वास है, तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर श्री कृष्णा जरूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।